आज हम बात करेंगे सेल्फ डाउट के बारे में। सेल्फ डाउट से कैसे हम छुटकारा पाएं, कैसे उससे डील करें, कैसे उससे उभर करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा समय कामयाब हो, हमारी जिंदगी में एक संतोष, एक फुलफिलमेंट, एक खुशी का आभास हमारी जिंदगी में आए। और उसके लिए बहुत जरूरी है सेल्फ डाउट से डील करने के तरीके को अपनी जिंदगी में अभ्यास में लाना। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिससे सेल्फ डाउट से हम अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर एक इंसान को होती है, बहुत सामान्य, बहुत कॉमन सी चीज है। और इसके आ जाने से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सेल्फ डाउट एक्चुअली में आता कैसे है। कोई भी वो सिचुएशन, कोई भी वो परिस्थिति जो आपके कंट्रोल में नहीं, जो अनसर्टेन है, जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसको आपने कभी सोचा नहीं, विचारा नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आपने आज तक उससे डील करने का तरीका नहीं जाना, जब ऐसी सिचुएशन हमारे बीच में आती है तो कई बार हम अपने ऊपर संशय करते हैं, अपने ऊपर संदेह करते हैं। और वो संदेह धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण बन जाता है। सेल्फ डाउट कुछ ऐसे ही छोटे छोटे तमाम हमारी जिंदगी में आने वाले मुद्दों और कारणों का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है, एक बहुत बड़ा बोझ है, जिसके नीचे दब करके कई बार हम अपने आप को बहुत असक्षम, बहुत इनकेपेबल मानते हैं। तो कई बार आप अपने आप को खुद ही उस डर से कि आप फेल हो जाएंगे, आप सही सक्सेस नहीं पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, आपकी बदनामी होगी, एक उपहास उड़ेगा, आप कई बार वो चीज करने के लिए आगे भी नहीं बढ़ते। प्रोकेस्टिनेशन, आप रुक जाते हैं, आप अपने आप को उस रास्ते पर ले जाते ही नहीं जहां पर बेकार में उपहास होगा, बेकार में लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, जहां बदनामी होगी। और दोस्तों, उस सिचुएशन में हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कई बार मानसिक इंस्टेबिलिटी, एक अस्थिरता का भाव महसूस करते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे आप अपने सेल्फ डाउट को अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने जीवन में से सेल्फ डाउट को दूर करने का? वैसे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे तरीके बताए हैं जिन पर चल करके हम अपने सेल्फ डाउट या अपने आप पर जो संदेह, एक कमी और कमजोरी का आभास हमें होता है, उसको हम दूर कर सकते हैं। वो तमाम लिस्ट, वो तमाम तरीके आप यहां देख सकते हैं। पर मेरा मानना है कि हम अपने जीवन में और अपने साथ साथ उन तमाम नई जनरेशन के जीवन में सेल्फ डाउट दूर कर सकते हैं किसी एक भावना को अपने दिल में घर करके। डू नॉट क्रिटिसाइज एंड अप्रिशिएट मोर। सेल्फ डाउट से अपने आप को उभारना है, उसको डील करना है, तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर एवरी स्मॉल एफर्ट्स। जब आप अपनी छोटी छोटी
कोशिशों को किसी तरीके से पुरस्कृत करते हैं, उसके लिए अपने आप को थोड़ी सी हिम्मत देते हैं, आपको धीरे धीरे उन तमाम चीज़ों पर यकीन होता है, वो चीज़ें जो आप करने में सक्षम हैं, बजाय वो चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं करी। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ वैलिडेशन और अपने कामों के लिए सेल्फ अप्रिशिएशन पे जोर दें। आपके दिन का बहुत बड़ा हिस्सा कई बार दूसरों के क्रिटिसिज्म या दूसरों की कही हुई बातों को सोचने, विचारने या कहीं ना कहीं उनसे डील करने में चला जाता है। जब आप खुद कोशिश करते हैं कि आपको अपने हर एक काम के लिए जो आपने किया, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, आप सुबह उठे, आपने अपना बिस्तरा बनाया, आपने अपना ब्रेकफास्ट बनाया, आपने काम पर जाने के लिए सारी तैयारियां की, यू फील प्राउड दैट यू हैव डन दैट वर्क दैट डे। छोटी छोटी चीजें, जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग दैट रिस्पेक्ट दैट ऑनर इन योर ओन आईज। दूसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है दोस्तों कि हम सही कंपनी या सही ऐसे माहौल में अपना ज्यादा वक्त गुजारें जो हमारे काम, हमारे अस्तित्व या हमारे व्यवहार में गलतियां या कमियां निकालने की बजाय हमारे व्यवहार को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हों। देखिए, हमारा सारा वक्त ऐसे लोगों के बीच में निकल जाता है जो कहीं ना कहीं हर एक चीजों में कहीं ना कहीं नुकसान, बुराई या कमी ढूंढने में गुजारते हैं। दोस्तों, कई बार हम ऐसे लोगों से दूर नहीं जा सकते और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के प्रभाव से हम भी अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग, एक पेसिमिस्टिक, एक निराशावादी माहौल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और वहीं अगर आपको एक भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए हु बिलीव्स इन ग्रोथ, हु बिलीव्स इन सक्सेस, हु बिलीव्स इन हाई आइडियाज, अगर आपको ऐसे कुछ दोस्त, कुछ कंपनी, कुछ ऐसे सहयोगी, कुछ ऐसे जानकार मिलते हैं, उनके साथ मिल बैठ करके यू स्टार्ट सीइंग द लाइफ विद डिफरेंट व्यू, डिफरेंट एंगल। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ऐसी सही कंपनी मिली हो एंड यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट टू मेक अ स्मॉल डिफरेंस इन योर लाइफ स्टाइल। दोस्तों, एडम रोआ की बहुत खूबसूरत एक पोइट्री है, वो कहते हैं, यू आर इनफ, तुम्हारे अंदर वो तमाम चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए अपनी जिंदगी में अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने आप को उस यूनिक लेवल तक पहुंचाने के लिए जो तुम्हारे जीवन की पोटेंशियल है। वो पोइट्री दोस्तों मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ता हूं, आप उसको सुन सकते हैं, एंड प्लीज लिसन टू दैट। When you start believing in yourself, जब आप अपने छोटे छोटे कामों पर यकीन करना शुरू करते हैं, जब आपको अपना रास्ता दिखने लग जाता है, and you believe कि आपको ही वो रास्ता अपनी जिंदगी में मिलेगा, उसको पाने के लिए आपको ही सारे काम करने हैं, you start believing in your path, you start believing in your methods, you start believing in your actions। तो दोस्तों, you have to believe कि आपकी जिंदगी में आपके छोटे छोटे काम बहुत ही खास मकसद के लिए आपकी जिंदगी में आपको दिए जाते हैं। और जब वो चीजें आपको मिली हों, जब आपको इतनी तमाम चीजें आपके अंदर समा कर आपको भेजा गया हो, देन यू मस्ट स्टार्ट डूइंग सम यूनिक वर्क इन दिस लाइफ, एंड दैट इज स्टार्ट बिलीविंग इन योर स्मॉल एक्शंस एंड अप्रिशिएट देम।